टोक्यो ओलंपिक का आज 16वां दिन है। पिछले 15 दिन से भारत के लिए हर नई सुबह एक नई उम्मीद के साथ होती है कि शायद ये दिन भारत के लिए ऐतिहासिक हो सकता है। टोक्यो 2020 में मेडल की उम्मीद हर भारतवासी को है। हर एक खिलाड़ी इसी सपने को आंखों में भरकर मैदान में उतरा है। लेकिन आज हम आपको 3 दशक पहले ओलंपिक के एक ऐसे सितारे से मिलाना चाहते हैं जो जींद जिले के इकलौते पद्मश्री अवार्डी हैं। इस खास रिपोर्ट में देखिए। इनसे मिलिए, ये हैं जींद जिले के इकलौते पद्मश्री अवार्डी कैप्टन चांद्रा, जो 20 किलोमीटर पैदल चाल में देश के स्टार खिलाड़ी रहे हैं। चांद्राम ने 1984 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में हुए ओलंपिक खेलों में बतौर टीम कैप्टन देश का प्रतिनिधित्व किया था। ओलंपिक गेम्स समाप्त होने के बाद अमेरिका ने चांद्राम को वही क्लब ज्वाइन करने का ऑफर दिया था, लेकिन देश सेवा के लिए ये ऑफर ठुकराकर वापस स्वदेश लौट आए। कैप्टन चांद्राम ने 1984 ओलंपिक के अनुभव को साझा करते हुए कहा कि तब और अब के हालात में काफी अंतर है। उस समय देश में मात्र एक सिंथेटिक ट्रैक दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में था और अकादमी में सुविधाएं भी कम थी, लेकिन मैंने जी तोड़ मेहनत की। तो लेकिन मेरे अंदर जुनून था। मैं क्या करता था, सुबह 4 बजे निकलता था। मेरे को ये नहीं पता था कि मैंने 20 किलोमीटर करना है तो कितने किलोमीटर मेरे को डेली करना चाहिए। मैं 20 किलोमीटर के हिसाब से मैं क्या करता था, मेरी लोकेशन से, यूनिट लोकेशन से एक रंगिया रेलवे स्टेशन पड़ता है, वहाँ से 20 किलोमीटर दूर मैं 20 किलोमीटर जाता था सुबह 4 बजे उठ करके और वापस आता था। मतलब 40 किलोमीटर सुबह मैं कर लेता था। शाम को ग्राउंड जो हमने बनाया था उसके अंदर ट्रेनिंग करता था मैं, 50 चक्कर उसके लगा देता था। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इतनी डाइट के अंदर एक आदमी कैसे इतनी मेहनत। जींद के गांव रजाना खुर्द निवासी कैप्टन चांद्राम कहते हैं कि खेल तो तपस्या है, दिल और दिमाग का जुनून है। खिलाड़ी हर सुख सुविधा ऐशो आराम को छोड़कर दिल और दिमाग में सिर्फ ट्रेनिंग को बैठा लेंगे तो ओलंपिक में मेडल कोई मुश्किल नहीं है। हार्दिक इच्छा है, सबसे पहले तो जो हमारा इंडियन कॉन्टिजेंट, जो भी स्पोर्ट्समैन, कोचेज, जो उनके साथ अधिकारीगण सभी जो जा रहे हैं, मेरी उनको सभी के लिए बेस्ट विशेज है, शुभकामना है। और मैं प्रार्थना करूंगा उन सब के लिए, स्पोर्ट्समैनों के लिए, कि वो हिंदुस्तान की झोली में मेडल लेने का काम करें और देश का नाम रोशन। कैप्टन चांद्राम ने बताया कि दिल्ली में हुए 1982 एशियन गेम्स में पहले 8 दिन तक देश को एक भी मेडल नहीं मिला था। तब अखबारों में खबरें छपती थी कि चांद्राम देश को मेडल दिला सकते हैं। 9वें दिन देश को पहला गोल्ड मेडल दिलाया तो देश का सीना चौड़ा हो गया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनकी पीठ थपथपाई थी और अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया था। तब उनकी उम्र मात्र 22 साल थी और लोग उनकी झलक देखने को आते थे। जैसा कि 9th एशियन गेम से पहले, जैसे कि मैं टोक्यो से भी गोल्ड मेडल लेकर गया था, उससे पहले भारत सरकार या हरियाणा सरकार कोई पैसा नहीं देती किसी भी स्पोर्ट्स में के अंदर। तो जैसे कि 9th एशियन गेम अपने इंडिया के अंदर शुरू हुए थे तो उस टाइम हरियाणा सरकार के CM माननीय चौधरी मदन लाल जी होते थे, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी। सबसे पहले उन्होंने अनाउंसमेंट की थी इंडिया के अंदर कि हरियाणा का जो भी स्पोर्ट्समैन गोल्ड मेडल लेगा उसको हरियाणा सरकार 1 लाख रुपया देगी। तो जैसा कि मैंने गोल्ड मेडल लिया था, मुझे 1 लाख रुपया उस टाइम CM साहब चौधरी मदन लाल जी ने दिया। उसके बाद धीरे धीरे सभी सरकारों ने अनाउंसमेंट की और मोस्टली सभी स्पोर्ट्समैनों को स्टेट की तरफ से, किसी को 50,000, किसी को 25,000, तो उसके बाद ये धीरे धीरे शुरू होगा। सबसे पहले आप ही को दिया था हरियाणा में? हाँ, सबसे पहले। चांद्राम पैदल दौड़ के माहिर खिलाड़ी थे। इन्होंने अपने खेल प्रदर्शन करके भारत देश का ही नहीं हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन किया था और आज ऐसे ही शूरवीरों के नक्शे कदम पर चलकर देश के और भी युवा साथी देश का नाम रोशन करने जापान पहुंचे हैं, जिन पर देश के हर शख्स की नजर टिकी है। ऐसे में टोक्यो ओलंपिक के 16वें दिन 23 वर्षीय अदिति अशोक ने अपने प्रदर्शन से मेडल की उम्मीद जगा दी है। वहीं आज नीरज चोपड़ा भी जेवलिन थ्रो का फाइनल खेलेंगे, वो भाला फेंक में देश को मेडल दिला सकते हैं। इसके अलावा रेसलर बजरंग पुनिया कांस्य पदक के लिए मैच खेलेंगे।
जिसको पूरा देश अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। जींद से रोहताश भोला की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।